नागपुर को लेवल 1 लागू किया गया है, फिर भी राज्य सरकार के निर्देशों पर परेशान लेवल 3 और लेवल 5 की रट लगाते हुए व्यापारियों पर की बंदिशें डाल रही है, जिससे व्यापार चौपट हो चुका है। इस बारे में बार बार प्रशासन को जानकारी दी गई है, फिर भी सरकार की अड़ियल रवैये के चलते प्रतिदिन व्यापारी तल तल मर रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज शहर के सैकड़ों व्यापारियों, मनपा आयुक्त और शहर के जिलाधीश इन्हें ज्ञापन देकर व्यापारियों की समस्याओं से अवगत कराया। सैकड़ों की संख्या में शहर के 25 व्यापारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मनपा कार्यालय पर दस्तक दी। इस मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त मौजूद था। पेश है हमारे संवाददाता संजय मेरे, इनकी मनपा कार्यालय से ये ग्राउंड रिपोर्ट, आइए देखते हैं। नागपुर में यूं तो कई आंदोलन होते हैं, लेकिन व्यापारी द्वारा किया जा रहा ये आंदोलन कुछ खास है। ये आंदोलन सीधे सीधे राज्य सरकार की अड़ियल रवैये के खिलाफ है। नागपुर में कोरोना काफी हद तक कम हुआ है, ये अच्छी बात है, लेकिन कोरोना के नाम पर व्यापारियों से जो छलावा सरकार के आदेश पर किया जा रहा है, जिससे व्यापारी वर्ग पूरी तरह से नाराज है, खफा है। शुरू से राज्य सरकार के निर्देश पर नागपुर में लेवल 1 लागू किया गया है, जिससे व्यापार सुचारू ढंग से चल रहा था, लेकिन सरकार के निर्देश पर प्रशासन द्वारा नागपुर में लेवल 3 और लेवल 5 पर अमल किया जा रहा है, जिससे व्यापार चौपट हो चुका है। सरकार का व्यापारी के प्रति अड़ियल रवैये को देखते हुए शहर भर के तकरीबन 25 व्यापारी संगठनों ने अपनी तमाम मांगों को लेकर आज मनपा कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में दस्तक दी। इस आंदोलन के बारे में संजय अग्रवाल, इन्होंने BCN समक्ष जानकारी दी। इस समय हमारे साथ में विपिन अग्रवाल जी, उनसे जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए कि आप जिस प्रकार से कमिश्नर को जो ज्ञापन देके आए, क्या कहना था कमिश्नर का? कमिश्नर को ज्ञापन दिया, हमने कमिश्नर को बताया कि व्यापारी जो है और जो अफेक्टेड सेक्टर है, उनके लोग पूरी तरीके से आंदोलित है और आक्रोशित है, और वो सड़क पे उतर आए हैं। और हमने कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट किया कि ये जो परिस्थिति है नागपुर की, ये ऊपर वो मुख्यमंत्री साहब के पास यहाँ की खबर भेजे और उनको बोले कि अगर इन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने नागपुर में तुरंत अगर रिलैक्सेशन अनाउंस नहीं किया, तो ये आने वाले समय में लॉ एंड ऑर्डर भी यहाँ पे ख़त्म हो सकता है और ख़राब हो सकता है। ये हमने उनको कहा, ही हैज़ अंडरस्टूड, ही हैज़ अश्योर्ड कि वो ऊपर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द रिलैक्सेशन मुख्यमंत्री साहब अप्रूव करें। दीपन भाई, ये जिस प्रकार से आपने ये जो उन्होंने ज्ञापन दिया है, क्या आपको लगता है कि सरमाने में आपके मांग पूरी होंगी? अगर आपकी मांग खारिज हो जाती है या उसको दरकिनार किया जाता है, तो आपके ये तमाम सैकड़ों हजारों जो आज व्यापारी जो सड़क पर उतरे, उनके अगली रणनीति किस प्रकार की होने वाली है? देखिए, हमको काफ़ी उम्मीद है कि सरकार इसका कॉग्निजेंस लेंगी और बहुत जल्दी इसका उचित निर्णय देंगी, लेकिन अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो आने वाले समय में व्यापारियों का आंदोलन और ज़्यादा तीव्र किया जाएगा, और आगे ये भी हो सकता है कि व्यापारी ये डिसाइड करे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगा, किसी भी तरीके की बंदिश, किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन व्यापारी मानेगा नहीं, मर्जी से अपने वर्क प्लेस खोलेंगे और मर्जी से बंद करेंगे। तो आप दीपन अग्रवाल जी, उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि अगर सरकार इनके बातों को ध्यान में नहीं रखता है, तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन भी छेड़ा जाएगा। अगर कानून व्यवस्था के परखच्चे उड़ते हैं या कानून व्यवस्था हाथ से यदि निकल जाती है, तो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार होगी, ऐसा ठीकरा उन्होंने आज के इस आंदोलन के माध्यम से फोड़ा है। अब देखना ये होगा कि सरकार इसके लिए आगे क्या कार्यवाही करती है। शहर में व्यापार चौपट होने से बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ गई है, कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है, ऐसे में जिम्मेदार कौन होगा? नागपुर में जो लेवल 1 है, उसी पर ही अमल किया जाना चाहिए। ऐसी जानकारी सरकार जगाओ वाणिज्य बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल, इन्होंने BCN समक्ष जानकारी दी। कोरोना संक्रमण के नाम के ऊपर में राज्य सरकार की जो दिशा निर्देश मिली है, उससे कहीं ना कहीं शहर का व्यापार पूरी तरह से चौपट होते हुए नजर आ रहा है, और इसी को लेकर आज शहर के तमाम व्यापारी नागपुर के जो कमिश्नर है, उनसे मिलने के लिए यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। आखिरकार उनकी अपनी क्या मांग है, जानना चाहेंगे। इस समय में संजय अग्रवाल हमारे साथ में, उनसे पूछते हैं। संजय जी, ये बताएं कि किस मांग को लेकर आज आपका ये विशाल व्यापारियों का मोर्चा NNC पे आया हुआ है? हमारी कोई विशेष मांग नहीं है, यानी हम कोई ऐसी डिमांड लेकर नहीं आए हैं जो कि नाजायज हो। हमारी जायज डिमांड एक है कि 4/6/2021 को महाराष्ट्र सरकार ने 5 लेवल का एक आदेश निकाला था, जिसमें ऑटोमेटिक लेवल बढ़ने पे लॉकडाउन होना और लेवल कम होने पे अनलॉक होना, उस ऑर्डर के तहत
नागपुर लेवल वन में आ रहा था, उस दिन भी नागपुर का पॉजिटिविटी रेट 2.43% था। आज के तारीख में नागपुर का पॉजिटिव रेट 0.12% है और एक्टिव केस 244 ही है, मात्र 244 है। और मेरी ये बता रहा हूँ आपको इसके पीछे की भावना कि क्यों हमारी डिमांड जो है नाजायज नहीं है। और आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन से सिंगल डिजिट के अंदर में नए केसेस आ रहे हैं। ये सब चीज को देखते हुए नागपुर को शुरू से लेवल वन के रिलैक्सेशन के अंदर में काम करने को होना था। किसी प्रकार का व्यापारी पे, किसी प्रकार का शादी पे या कोई चीज के ऊपर में कोचिंग क्लास पे कोई निबंध नहीं होने चाहिए थे। उसके बावजूद डे वन से नागपुर को लेवल 3 के रिस्ट्रिक्शन में डाला गया है, जो कि अन्यायकारक है। आज जो है केसेस कम होने के बावजूद भी व्यापारियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, कल जब केसेस बढ़ जाएंगे तो फिर लॉकडाउन कर देंगे। ये सर ये बताइए कि जिस तरह से आज यहाँ पे जो मोर्चा लड़ा है, आपकी तमाम मांगे है, मगर सरकार ने कहीं ना कहीं यदि आपके मांगों को दरकिनार कर दिया तो फिर आप लोगों की अगली रणनीति किस प्रकार की होगी? सरकार जगाओ, वाणिज्य बचाओ, संघर्ष समिति के कार्यकारिणी इस मुद्दे के ऊपर में आगे का निर्णय लेंगे और आगे के जो है निर्णय लेने के बाद में आप सबको बताया जाएगा कि आगे का क्या स्टेप लिया जाएगा इसके अंदर में। हाल फिलहाल के अंदर में आज का ये एक प्रोटेस्ट मोर्चा था, कल कार और बाइक की रैली है, उसके बाद के आगे कैसे निर्णय होते हैं, सरकार जागती है नहीं जागती है या सरकार गुंडू सेठ बन के सही होती है, उसके ऊपर आगे का जो है हम निर्णय बाद में करेंगे। तो आते संजय अग्रवाल जिन्होंने बहुपुर पेपर के साथ बात करते हुए कहा कि लेवल वन की जो बात थी वो लेवल 3 और 4 के चलते व्यापारियों का बड़ा नुकसान हो रहा है, मगर राज्य सरकार के कानों तक अब तक जू नहीं रेंग रही है, ये एक बड़ा सवाल उभर के आ रहा है। ऐसे में व्यापारी करे तो कर क्या, क्योंकि व्यापारी कर्जे के बोझ से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें भी कई लोगों के पैसे देना है, कई कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में व्यापारियों की सूट क्या आखिरकार राज्य सरकार लेगा, एक देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से व्यापार पूरी तरह से कोलैप्स हो रहा है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार का भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नागपुर के सिविल कॉर्पोरेशन से कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मीरा, BCN न्यूज नागपुर।